Welcome back, dear viewers. We are discussing Plus 2 Biology. Today we will discuss about the drugs and alcohol abuse. Drugs are technically medicines or substances used internally or externally for the purpose of diagnosis, prevention, relief or cure of diseases. Now coming to drug abuse, taking of drugs for the purposes other than clinical use in amount, concentration or frequency that impairs physical, physiological and psychological functions of the body is called as drug abuse. जनरली जो दवाइयां हैं, जब ड्रग्स हैं, कोई भी ड्रग हम लेते हैं किसी भी बीमारी से बचने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए। लेकिन अगर किसी भी ड्रग को नॉर्मल मात्रा से अधिक मात्रा में लिया जाए, जो कि हमारे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन जो है उनको प्रभावित करती है, तो उसको हम ड्रग एब्यूज कहते हैं। दूसरे शब्दों में ड्रग का दुरुपयोग जो है वो ड्रग एब्यूज है। Surveys and statistics show that use of drug and alcohol has been on the rise, especially among the youth. This is really a cause of concern as it could result in many harmful effects. Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavior patterns and follow healthy lifestyles. The drugs which are commonly abused are opioids, cannabinoids, and coca alkaloids. These majority of these are obtained from flowering plants. Some are obtained from fungi. The various types of drugs are as follows. First of all, opioids. Opioids are the drugs which bind to specific opioids receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract. तो opioids ऐसी drugs होती हैं जो कि हमारे CNS central nervous system और gastrointestinal tract में विद्यमान जो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड करती हैं। हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन विच इज वाइट ऑडरलेस बिटर क्रिस्टलिन कंपाउंड। तो ये मॉर्फिन की आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर, इसके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है जी केमिकल। दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम बाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। ये आपने दैनिक जीवन में देखा होगा पेपर सोमनीफेरम, ये प्लांट ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी है वैसे, जनरली इसको एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रो किया जाता है, लेकिन जो मॉर्फिन है वहां से ये पेपर सोमनीफेरम से एक्सट्रैक्ट की जाती है। जनरली टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन, सूंघ कर ली जाती है इसको या इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है। हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोस डाउन बॉडी फंक्शंस। तो जो हीरोइन है ये डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन कर देती है ये और जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको स्लो डाउन कर देती है। नेक्स्ट इज कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरैक्ट विद कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन। नेचुरल कैनाबिनोइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सैटिवा। भांग होती है जी, आपने देखा होगा प्लांट, ये कैनाबिस प्लांट है और ये कैनाबिनोइड मॉलिक्यूल की केमिकल स्ट्रक्चर है। तो ये प्लांट आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में, तो यहाँ से इसको हम कैनाबिनोइड्स हैं वो यहाँ से प्राप्त होते हैं हमें। द फ्लावर टॉप्स लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ द कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गंजा। जनरली टेकन बाई इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो जनरली जो कैनाबिनोइड्स हैं वो हमारे बॉडी का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है। नेक्स्ट इज कोका एल्कोलाइड्स और कोकेन। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका विच इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं एरिथ्रोजाइलम की। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। न्यूरोट्रांसमीटर है एक जो कि साइनैप्स में हेल्प करता है ट्रांसमिटिंग नर्वस मैसेज डोपामिन, उसके ट्रांसपोर्ट के साथ ये इंटरफेयर करते हैं। कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजली स्नॉर्टेड, जिसको सूंघा जाता है जनरली। इट हैज ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन CNS प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। तो ये यूफोरिया की फीलिंग देता है, भ्रमित कर देता है मतलब, और
एनर्जी जो कंटेंट है उसको बढ़ा देता है। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉजेज हेलुसिनेशंस। अदर वेल नोन प्लांट्स विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। तो ये धतूरा प्लांट आप देख सकते हैं ये, और ये एट्रोपा बेलाडोना है, दोनों की ये भी, इनमें भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। These days, cannabinoids are also being abused by some sports person. Drugs like barbiturates, amphetamines, benzodiazepines, and other similar drugs that are normally used as medicines to help patients cope with mental illness like depression and insomnia are often abused. तो इसके अलावा जो barbiturates हैं, amphetamines हैं, benzodiazepines हैं, तो ऐसी drugs को भी जो है इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सिडेटिव एंड पेन किलर। जो मॉर्फिन है ये दर्द निवारक है, पेन किलर है और सिडेटिव है, एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। सेवरल प्लांट्स फ्रूट्स एंड सीड्स हैव हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, हैव बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इन फोक मेडिसिंस, रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स ऑल ओवर द ग्लोब। तो इन प्लांट्स को हम वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं, हमारा ऐसा कल्चर है इसमें। When these are taken for a purpose other than medicinal use or in amounts frequency that impairs one's physical, physiological or psychological functions, it constitutes drug abuse. तो इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। Smoking also paves the way to hard drugs. Tobacco has been used by human beings for more than 400 years. It is smoked, chewed or used as snuff. Tobacco contains a large number of chemical substances including nicotine and nicotine and alkaloids. Nicotine stimulates adrenal glands to release adrenaline and noradrenaline into blood circulation, both of which raise the blood pressure and increases heart rate. Smoking is associated with increased incidence of cancers of lung, urinary bladder and throat, bronchitis, emphysema, coronary heart diseases, gastric ulcers, etc. So smoking ke karan bahut sare khatarnak jo bhayankar bimariyan hain wo hoti hain, जैसे लंग कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर और थ्रोट का कैंसर है, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, हार्ट डिजीजेस, गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं। टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। तो जो टोबैको चबाते हैं लोग, उनमें माउथ कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्मोकिंग इंक्रीजेज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड रिड्यूसेज द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन, दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर दोनों को, दोनों की अगर हम बात करें तो जो हीमोग्लोबिन है इसकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बाइंडिंग कैपेसिटी है वो 200 टाइम्स मोर होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो जब भी ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो हीमोग्लोबिन विल प्रेफर टू बाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड कर जाती है तो ऑक्सीजन जो है वो अब उसके साथ बॉन्ड नहीं कर पाती, इसलिए बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।